मैं तेरी आँखों का साहिल, मैं तेरे दिल के ही काबिल, तू मुसाफिर मैं तेरी मंजिल। इश्क का दरिया है बहता, डूब जा तुझसे है कहता, आ मेरी बाहों में आंखें मिल। That was Saki for you guys. मैं हूँ तुलसी कुमार और मैं हूँ नोरा फतेही एंड आप हमें देख रहे हैं NBT ऑनलाइन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं इस बार आपसे नोरा ये कहूंगा कि आप खुद से हार गई हैं इस बार। थोड़ा सा आप पीछे खुद से रह गई है। नहीं, 20 मिलियन था इन 24 आवर्स। दिलबर, yeah, this is 20 also. This is 25 now. But in 24 hours we hit 21, yes. I think. Yeah. नंबर वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन खुद को बीट कर रही हैं खुद से आप? मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। खुद से जीती हैं इस बार, I think. I thought it's getting even though. Yeah. I thought it was the same, but ठीक है, okay, cool. तो सी ये गाना, चूंकि एक बार जब भी कोई गाना ऐसा होता है जिसका रीमेक होता है, अलग तरह का प्रेशर हो जाता है यार, इसको अच्छा करना है, बहुत सारे लोगों की प्रेशर। नहीं, मैं प्रेशर की तरह लेते नहीं हूँ एंड आई डोंट थिंक यू नो इफ द म्यूजिक टीम और द टीम दैट्स परफॉर्मिंग और द आर्टिस्ट इफ we're under too much pressure now, then we won't be able to perform and give our best. But obviously, when we know ke ek recreation bana rahe hain aur ek iconic gaane ka recreation bana rahe hain, of course comparisons hone wale, we're all prepared for that. Par maine pehle bhi bataya ki recreation mein agar koi nayi baat leke aate hain to wo ek freshness add karti hai, ek naya perspective deti hai gaane ko, jo ki is gaane mein hai. New composition hai, new lyrics hai, ek bahut hi khoobsurat arrangement hai, music production hai by Tanish Bagchi and of course inka bahut hi kamal ka fire moves. She's just killing it on screen and everybody is just loving the way she's performing and I think inhone apne aap ko pehle se beat kar diya because people are giving so much love to Saki. So she was competing with herself and she's won, I think. I would hope. And mujhe bhi bahut अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है ये गाना, एक बहुत अलग तरीके में मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंची है थ्रू दिस सॉन्ग। सो या नोरा, डांस आपके लिए है क्या? बिकॉज इस समय बॉलीवुड का हर निर्देशक निर्माता आपको अपनी फिल्म में डांस के लिए तो लेना ही चाहता है, उनको लगता है कि आप मतलब लकी हैं। मुझे लगता होगा लकी हैं, टी सीरीज को लगता होगा कि उनकी हर फिल्म में आप एक गाना करें। वेल एक्चुअली बाटला हाउस के लिए मैं एक्चुअली रोल कर रही हूँ, मैं एक्टिंग कर रही हूँ, तो मेरी रोल के लिए एक गाना ज़रूरी है, तो इसलिए एक गाना है, इसलिए मैंने परफॉर्म किया गाना पे। सो आई एम नॉट जस्ट डूइंग एन आइटम सॉन्ग, सो इट ऑल मेक सेंस, ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। बट इफ एनीवन इज सेइंग आई एम लकी एंड ऑल, देन आई एम ऑनर्ड, यू नो, इट्स एन ऑनर। इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर दो, यू नो, सो मच प्रेशर, बट आई थिंक एज एन आर्टिस्ट आई एम जस्ट वर्किंग, मैं काम कर रही हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड जब भी मैं सेट पे हूँ, जब भी मैं रिहर्सल कर रही हूँ, जब भी मैं किसी के साथ काम कर रही हूँ, टीचर्स के साथ या जॉन अब्राहम सर के साथ या निखिल सर के साथ, इट्स जस्ट आई एम हंग्री टू वर्क एंड आई एम ऑलवेज जस्ट वेरी ग्रेटफुल एंड रिस्पेक्टफुल अबाउट दैट। एंड जब भी एक गाना आता है या एक रोल आता है, आई ऑलवेज पुट माई 100% तो इस गाना में, साकी में, I literally put my 1000%. Yes, and we can see that. Yeah, and I just hope the audience appreciates that, and that's what I hope for as an artist. And I also hope that when they go to the cinema August 15th to watch the film, they will appreciate my acting also. Absolutely, so, we're totally looking forward to her performance in the film. जब आप डांस करती हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब वो जिंदा हो गया है, वो डांस फॉर्म ही जिंदा हो गया है. Really? Oh, thank you. आपके लिए डांस है क्या? अच्छा सवाल है। डांस, आई डोंट नो, डांस इज लाइक, इट्स मी, डू यू नो, आई डोंट हैव एक्सप्लेन इट, लाइक आई डोंट हैव, इट्स लाइफ, इट्स एंजॉयमेंट, इट्स ए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, इट्स
like you know in ABCD too they say dance to express not to impress yeah. so मैं जब मैं डांस करती हूँ मुझे सिर्फ एक्सप्रेस करना है I just want you to hear the music see me and feel the music at the same time it should match so dance is just it's just a form of expression that is just something I feel like a different person when I'm dancing so you know किस एज से आप डांस कर रही हैं कौन सी एज क्या एज आपकी बचपन से लिटरली बचपन से वट एज इज़ हार्ड टू से समटाइम्स आई से थ्री समटाइम्स आई से सिक्स आई डोंट रियली रिमेंबर बट आई नॉट प्रोफेशनली ट्रेंड मैं तो ट्रेंड डांसर नहीं हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ क्योंकि जब भी नो दैट या किसी को पता नहीं आई डोंट नो व्हाई कहीं भी मैं बोलती हूँ मैं ट्रेंड डांसर नहीं हूँ आई ट्राई टू स्टफ इट इन पीपल्स हेड्स बट कोई सुनता नहीं आई डोंट नो व्हाई That's a huge But compliment. I'm not, yes, so I have literally just observed videos because I love performing and I love music and I love art. So I watch videos of people and I see movement and I'm like, whoa, I have to learn this. And then I just teach myself and that's it. Wow. Yeah. मैं बोल रहा था जब भी कोई डांस फॉर्म होता है तो आप बोल रही हैं आप डांस ट्रेन नहीं है डांस ट्रेनर नहीं है लेकिन जब भी कोई डांस फॉर्म होता है तो ऐसा लगता है कि ये आप बनाते हैं मतलब तो आप डांस ट्रेन डांसर नहीं है लेकिन आप डांस फॉर्म बनाती हैं एक डांस फॉर्म किसी भी स्टाइल का जो होता है वो कितना मुश्किल या कितना आसान होता है आपके लिए कोई भी जैसे आप फायर यूज़ करती हैं या फिर आप रेत यूज़ कर रही हैं तो एक डांस फॉर्म कितना मुश्किल या आसान होता है सी अभी मैं एक फिल्म कर रही हूँ स्ट्रीट डांसर उसमें बहुत सारी स्टाइल्स हैं एंड बिफोर पहले मैंने झलक दिखला जा किया तो उसमें बहुत सारी डांस स्टाइल्स हैं आई हैड रियलाइज एट दैट टाइम दैट एवरी स्टाइल ऑफ डांस इज डिफिकल्ट फॉर मी एवरी स्टाइल मुझे रिहर्स करना है मुझे प्रैक्टिस करना है हमेशा आई कैन जस्ट walk in front of the camera and start doing stuff I really do need to work hard always I have to put that effort and dedication for me to look good doing it yeah so I basically I don't wake up in the morning doing dance styles yeah acha Bartla House ka jo dance hai wo bahut mushkil lag raha hai uske bare mein thoda bataiye kis tarike se shoot kiya kitna mushkil tha khas taur se Sagi Sagi I think during rehearsals it was difficult because hum soch rahe the us time ki hum kya kar sakte is dance mein jo alag hai jo acha dikhega जो ऑडियंस कह सकते हैं कि वो ये क्या है बस रिवाइंड देखना है वापस यू नो सो व्हेन वी वर पुटिंग द कोरियोग्राफी टुगेदर एंड द हुक स्टेप वी वांटेड समथिंग टू लुक मैसी टू लुक बॉलीवुडिश स्टिल एंड फ्री स्टाइलिश एंड नॉट बेली डांस सो द हुक स्टेप इज नॉट एट ऑल बेली डांस एट ऑल यू नो इट्स वेरी फ्री स्टाइल इट्स वेरी स्ट्रीट इट्स वेरी लाइक यू नो व्हाट यू वुड डू इन अ क्लब इफ यू आर रियली ड्रंक यू प्रोबब्ली ट्राई टू गो लाइक दिस You know, we so, won't be able to yeah. do it like the way you're doing it. Maybe if you're really drunk, you might try. You know, but shoot pe obviously there was a lot, bahut stress tha, bahut pressure tha, and because mere piche dancers nahi hai, main akeli hu, so I felt like I had to be able to hold the screen alone for a good 2.5 minutes. So, wow. but yeah. तो सी आपने अपनी वॉइस से आपने कहा कि नया बनाने की हम थोड़ा कोशिश करते हैं फ्रेशनेस डालने की ऐसा क्या कुछ वॉइस ने क्या करामात किया कि थोड़ा सा वो ट्रेंडी लगे आज के हिसाब से हम उसको और रिलेट करें मैंने ये गाना एक लोकी में गाया है और एक्सप्रेशंस पे बहुत ध्यान दिया है क्योंकि ऑफकोर्स मुझे पता था नौरा होंगी स्क्रीन पर और जिस तरीके का ट्रैक बना है आई ट्राई टू सिंग इट राइट फ्रॉम हियर और काफ़ी मेहनत की है मैंने स्टूडियो में ये गाना गाने के लिए कोई चीज़ है जैसे गाते समय आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ करती थी और आप बता सकती हैं कि ये मैंने जो कि मैं एक्सप्रेशंस की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं यूजुअली जो सॉन्ग्स करती हूँ दे आर लाइक मेरी राहें तेरे तक है तुझ पे ही तो मेरा हक है ये एक मेरा हेड वॉइस का गाना था बट साकी गाना मैंने यहाँ से चेस्ट वॉइस में गाया है एंड इट्स मैं तेरी आँखों का साहिल मैं तेरे दिल के ही काबिल तू मुसाफिर मैं तेरी मंजिल तो वो जो पूरा एक्सप्रेशन जो कैच किया है बिकॉज इट्स इट्स गोना बी अ
you know, a song that's going to set the screen on fire. So I think that's very important to come out in the singer's expression so that the actor can also emote, you know, accordingly and can give her 100%. So I've really done my rehearsal sessions in the studio in front of Tanishq, and I've given this song my 1000%. I hope you all love it. Thank you. Thank you so much. Thank you. बहुत ज़्यादा हिंदी सीखी है इसकी वजह से. वाह. आपने कहा था कि पिछली बार जब आपसे बात करी थी, आप जब लोगों से हिंदी में बात करने की कोशिश करते हैं तो लोग थोड़ा सा बुली करते हैं या फिर इंग्लिश में खुद ही बात करते हैं. हाँ सही है. तो अभी ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया. आप लोग हिंदी में आपसे बात करते हैं? अभी मैं तमिल सीखने वाली हूँ. वाह. थैंक यू.